आज आपको एक प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसका रिव्यू करवाते हैं, जो है मिनी स्पीकर। यह है एक मिनी स्पीकर, हैंड्स फ्री। ये आप मोबाइल ब्लूटूथ, लैपटॉप ब्लूटूथ या कोई भी स्मार्टफोन या डिवाइसेस है आप कनेक्ट कर सकते हैं और साउंड बढ़ाकर सुन सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है, इसके पैक के अंदर क्या क्या है देखिए। इस पैक के अंदर एक है यूएसबी, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो, और इसके मेन जो स्पीकर है वो बहुत ही छोटा है साइज में। ये सिर्फ 60 mm का साइज है। ये जो आप देख रहे हो बहुत ही स्लीक है, दिखने में तो बढ़िया है लेकिन बहुत ही हल्का फुल्का है। और इसके साथ दिया जाता है ये केबल, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए स्विच ऑन का बटन है। ये देखिए स्विच ऑन का बटन है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये चार्जिंग पॉइंट है। ये जो केबल दिया हुआ है इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो ये चार्जिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे कार्ड रीडर का ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड रीडर, डायरेक्ट आप चला सकते हो गाना। यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शन है, पेन ड्राइव से भी गाना ये आप चला सकते हो। ये है नेक्स्ट वॉल्यूम अप और नेक्स्ट का बटन। पेन ड्राइव से कार्ड रीडर से गाना चल रहे हो, नेक्स्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप। अब इसको हम चला के आपका वॉइस सुनाते हैं। मैं इसको पहले चला के सुना रहा हूँ आपको। मैं अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के द्वारा इसमें से गाना चलाएंगे। चलाने से पहले आपको ब्लूटूथ से कैसे इसको कनेक्ट करेंगे वो भी दिखा देते हैं। अपने मोबाइल का आप जो है अपने मोबाइल का ब्लूटूथ वाला ऑप्शन ऑन करिए, ब्लूटूथ ऑन करिए, इसको स्विच ऑन करिए। स्विच ऑन करने से लाइट जल जाता है, ऐसा साउंड आएगा। ब्लूटूथ मोड ये एक्टिव हो गया, इसका ब्लूटूथ भी स्टार्ट हो गया। अब अपने मोबाइल पे आप अपना ब्लूटूथ को सर्च करिए। देखिए यहाँ पे दिखाएगा बीटी स्पीकर, मतलब ब्लूटूथ स्पीकर, उसको आप कनेक्ट करिए। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आप मोबाइल पे जो भी चलाएंगे उसका साउंड डायरेक्ट चला जाएगा स्पीकर पे। अब मैं यूट्यूब खोलूंगा और यूट्यूब में देखिए एक गाना चलाऊंगा, वो बजेगा वहां पे। वहां तो बज रहा है, मोबाइल पे नहीं। ये देखिए साउंड क्वालिटी, ये जो आप देख सकते हो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कुछ खराब नहीं है, 3 वाट का है तो 3 वाट में जैसा होता है वैसा ही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और एक गाना मैं चला के आपको सुनाता हूँ। ये आप क्या कर सकते हो, मोबाइल पे अगर कुछ भी है वो भी आप चला के सुन सकते हो। जैसे मेरे मोबाइल पे ये सारे सेव है तो ये डेटा मैं वो वहां पे चला के साउंड वहां से सुन रहा हूँ। देखिए साउंड का क्वालिटी देखिए, देखिए साउंड तो बढ़िया है। और उसके साथ ये जो लाइटिंग है वो भी बहुत अच्छा है, ये जो लाइटिंग है वो भी बहुत बढ़िया है देखने में। ये साउंड क्वालिटी ओके है, 3 वाट चीप क्वालिटी का है लेकिन ओके है। चलिए अब इसको ऑफ कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आप इसको चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए ये जो यूएसबी दिया गया है उसको आप डालिए यहाँ पे, डाल दिए। अब ये यूएसबी पोर्ट को आप प्लग पॉइंट में चार्ज करने के लिए वो इसमें डालेंगे और ये प्लग पॉइंट में डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने लैपटॉप से भी चार्ज कर सकते हो या अपने पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो तो आप पावर बैंक में डालिए और देखिए। ये देखिए पावर बैंक में हम इसको डाल रहे हैं, देखिए चार्जिंग का लाइट जल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एलईडी है रेड कलर का, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये चार्जिंग का चल रहा है। अच्छा तो फिर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट का डिटेल्स क्या है, क्या नहीं।
ये मिनी स्पीकर जो है ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और इसका कनेक्शन जो होता है अप टू 10 मीटर्स तक आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एक बार फुल चार्ज होने पे ये प्रोडक्ट 5 घंटा चला सकते हो आप और इसको चार्ज करने में लग जाता है लगभग 2 घंटा टाइम। तो ये है प्रोडक्ट जो है मेड इन चाइना, ये देखिए मेड इन चाइना ये प्रोडक्ट, छोटा सा मिनी स्पीकर फॉर होम जो आप लैपटॉप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके लैपटॉप या मोबाइल से आप गाना सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, ये है।